नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। दोस्तों, पौराणिक काल से ही बिहार आस्था का केंद्र रहा है। चाहे रामायण काल हो या महाभारत काल हो, बिहार का जिक्र पौराणिक कथाओं में भी है। बिहार में कई महापुरुषों ने जन्म लिया और बिहार के गौरव को बढ़ाने का काम किया। बिहार आस्था का प्रतीक भी है। यहाँ के लोगों का आस्था से गहरा लगाव है। बिहार में कई ऐसे जगह हैं जो आस्था के साथ साथ पर्यटन के दृष्टिकोण से भी काफी रमणीय हैं। तो आज हम जानेंगे बिहार के ऐसे चार स्थानों के बारे में जो पूरे देश के लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजगीर के बारे में। राजधानी पटना से 85 किलोमीटर की दूरी पर स्थित राजगीर अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए एक अलग ही पहचान रखता है। राजगीर की हवा अत्यंत मनमोहक और शुद्ध है। राजगीर ब्रह्मा की यज्ञ भूमि है। इसे भारतीय संस्कृति और वैभव का केंद्र माना जाता है। यह जगह जैन तीर्थंकर महावीर और भगवान बुद्ध की साधना भूमि रही है। राजगीर के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों के नीचे जंगल इस जगह को पर्यटन के दृष्टि से खास और दिलचस्प बना देते हैं। जो भी पर्यटक राजगीर घूमने के लिए आते हैं, वह इस जगह को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लेते हैं। राजगीर ऐसा जगह है जहाँ हर कोई बार बार जाना पसंद करेगा। यहाँ गर्म कुंड है जहाँ पर्यटक स्नान करते हैं। यहाँ के गर्म कुंड के पीछे कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा बसु ब्रह्मकुंड परिसर में एक यज्ञ के आयोजन किए थे। इस यज्ञ में देवी देवता भी आए थे। देवी देवताओं को एक साथ स्नान करने में परेशानी हो रही थी, तब भगवान ब्रह्मा ने 22 कुंडों का निर्माण करवाया था। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के गर्म कुंड में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। अब हम बात करेंगे मधुबनी के बारे में। दोस्तों, बिहार का मधुबनी जिला अपने कला और संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मधुबनी की पेंटिंग अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। पर्यटक अक्सर यहाँ की पेंटिंग देखने के लिए आते रहते हैं। अगर आप यहाँ पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं तो अक्टूबर से फरवरी माह के बीच जाना सबसे सही समय है। अब हम बात करेंगे बोधगया के बारे में। बोधगया पर्यटन के दृष्टिकोण से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ एक बोधि वृक्ष है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे। देश विदेश से पर्यटक यहाँ बोधि वृक्ष और महाबोधि मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं। महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की भव्य प्रतिमा है। ऐसी मान्यता है कि इस भव्य मूर्ति का निर्माण स्वयं भगवान बुद्ध ने ही किया था। उन्होंने यह बात उस मंदिर में रहने वाले एक बौद्ध भिक्षु को सपने में आकर बताई थी। अब बात करते हैं सीतामढ़ी के बारे में। सीतामढ़ी का जिक्र रामायण में भी है। ऐसी मान्यता है कि मिथिला के राजा जनक की पुत्री और भगवान राम की पत्नी माता सीता का जन्म सीतामढ़ी के पुनौरा गांव में हुआ था। कहा जाता है कि त्रेता युग में राजा जनक जब खेत में हल चला रहे थे, तब माता सीता धरती से उत्पन्न हुई थी। सीतामढ़ी बिहार का गौरवशाली पर्यटन स्थल है। यहाँ जानकी कुंड नामक एक स्थान है जहाँ भगवान श्री राम और माता सीता की प्रतिमा की पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ सोनपुर के बाद एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो ये थे बिहार के कुछ धार्मिक स्थलों के नाम जो न सिर्फ आस्था के दृष्टिकोण से बल्कि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत ही आकर्षक है। अगर आप इन जगहों पर गए हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप किसी दूसरे पौराणिक स्थलों के बारे में जानते हैं तो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।